हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू विशाल ठाकुर व्लॉग्स। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:15 और मैं अभी रेडी हूँ, लेकिन चाय पीनी बाकी है। तो सबसे पहले मैं चाय नाश्ता करता हूँ, फिर मैं आपको व्लॉग में आगे मिलता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार तो उसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले शॉर्ट्स में। तब तक के लिए इस वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दो और शेयर कर दो गाइस। चलो फिर तो मैं जाता हूँ नीचे और चाय नाश्ता करते हैं गाइस। सो गाइस, अभी अराउंड 35 मिनट हुए हैं, मैं चाय नाश्ता करके आ गया हूँ। और अब मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है, मैंने आपको बताया था, तो वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई। यानी कि जो 6 तारीख को एग्ज़ाम थी वो अब हो गई है 20 तारीख को, 20 जनवरी। यस गाइस, तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने का। तो सबसे पहले तो मैं पढ़ता हूँ और अभी घड़ी में बज रहे हैं 8:50। तो फिर देखते कि अब क्या होता है, लेकिन आप इस व्लॉग में बने रहना गाइस। हेलो गाइस, तो अभी बहुत अंधेरा है और शाम हो गई है, तो सबसे पहले चलो लाइट स्टार्ट करते हैं। ओके, और गाइस मैंने अभी एक बात नोटिस की है कि जब मैं ये दोनों ही लाइटें स्टार्ट करता हूँ ना, आप देख सकते हैं ये और ये, तब दोनों लाइटें बहुत ज़्यादा फ्लिकर करती है। पता नहीं ऐसा क्यों रहा, पहले से नहीं होता था। आप थोड़ी देखिए, मैं एक्सपोजर यहाँ पर कम करता हूँ, दिख रहा होगा आपको। हाँ, सो गाइस, ये पता नहीं कैसे हो रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले दोनों लाइटें कम्प्लीटली स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी थोड़े दिनों में ही ऐसा हो रहा है। उसे ठीक तो करना पड़ेगा क्योंकि रूम में ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ऐसे मैं दो लाइटें ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ और RGB तो है ही अपने पास, तो ओके। और यहाँ पे एक होती है, ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। ओके, सो दोनों भी होती है, लेकिन ये RGB अच्छी लगती है। और अगर मैं फ्लिकर एक बंद कर दूँ तो ये कंप्लीट हो जाती है। यस गाइस, और जो बीच के POP है ना, वो भी कंप्लीट है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर ही होती है, जब मैं ड्यूअल फ्लिकर ड्यूअल साइड के जो लाइटें होती है ना वो स्टार्ट करता हूँ ना, तभी ऐसा होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे ठीक करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन आए और ये ठीक कर जाए। और एक बात आप जान लें कि जब मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राधा कृष्ण है उनमें जो राधा जी है उनके ऊपर जो कलर है वो बहुत ही शाइनिंग कर रहा है, देख रख सकते हैं आप। ये ब्लू लाइट के और ये पिंक लाइट के वजह से ऐसा हो रहा है। यस गाइस, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो यहाँ पे ये जो बंदूक है ना, ये जो खिलौना, वो भी ग्लो करता है गाइस, देखो आप। यस गाइस, ये तो होता रहता है। और गाइस वेल, अभी तो मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज जाके आ गया हूँ और अभी मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ी। सबसे पहले मैं पढ़ाई करता हूँ और जो MCQ सॉल्व करने वो करता हूँ, फिर मैं गाइस आपको ब्लॉग में आगे मिलता हूँ। क्योंकि अभी खाना तो बना नहीं है, खाना रेडी होगा तब खाना खाने जाएगी। तो गाइस, अगर आप मेरे वीडियो ब्लॉग डेली देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं, यस गाइस, ये ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला। यस गाइस, तो मैंने अभी जब एटलीस्ट 4 डेज एगो जब मैंने ये ख़रीदा था, तब ये मुझे कितने में पड़ा था पता है? सिर्फ 75 रुपीज़। यस गाइस, और अभी इसकी प्राइस क्या है पता है आपको? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, तो ये रही, ये देखिए 90 रुपी। यस गाइस, तो आप देखिए कि सिर्फ 4 और 5 दिन पहले मैं लाया था तो मुझे 75 रुपीज में पड़ा था और अभी सीधे 90 रुपये। सो गाइस, मोबाइल कैसे बढ़ रही है आप देख सकते हैं। ऐसे मुझे पता नहीं चलता वो, ये सब क्वालिटी क्वांटिटी सब एक है वो, फिर भी इतना ज़्यादा भाव बढ़ रहा है गाइस, तो अब क्या कर सकते हैं। सो गाइस, इसके साथ साथ मैं ये भी लाया था। वैसे मैंने इसको कभी ट्राई तो नहीं किया, चिंग सीक्रेट इसमें लिखा हुआ है, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, सो मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे भी मैं ट्राई करूँगा कि मुझे कैसा लगता है। वैसे मैं सूप ज़्यादा कुछ पीता तो नहीं हूँ, लेकिन इसे ट्राई ज़रूर करेंगे हम, देखते हैं। मुझे मॉल में दिखा तो ले लिया, लेकिन अब देखते हैं कि ये कैसा लगता है।